इस चीज को लेके मैंने बहुत बहुत सोचा कि हम कैसे ऑर्गेनाइजिंग को बेहतर बनाएं कैसे मूवमेंट बिल्डिंग को ऐसे बनाएं कि हम बेशक कॉज ड्रिवन हों बेशक हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में काम कर रहे हो चाहे हम रेसिज्म के बारे में कर रहे हो चाहे हम औरत मार्च में काम कर रहे हो फेमिनिज्म की बात कर रहे हो वुमेन्स रेजिस्टेंस की बात कर रहे हों चाहे हम क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हो चाहे हम बायोडाइवर्सिटी पे काम कर रहे हो जिस जिस सेक्टर में भी हम काम कर रहे हो जो हमें लगता है कि इस, वर्क चाहे आप बेशक मेडिकल uh, प्रोफेशन में हो आप लोगों का ख्याल रख रहे हो तो हम इस कॉन्सेप्ट को ख्याल के कॉन्सेप्ट को परवाह करने को किसी का तहफ़ करने को कैसे ब्रॉड कर ब्रॉडन कर सकते हैं ताकि हम सेव प्लान को सेव करते करते अपने आप को बीच में ना खो जाए तो <laughs> so, ये मेरा फर्सरीज आइन सो कल्चर ऑफ़ केयर का एक डेफिनेशन नहीं है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी मेरे यूज़ करने से पहले एग्जिस्ट कर रही है तो मैं उसको कहती हूँ कि मैंने उसको को ऑप्ट किया टर्मिनोलॉजी को मेडिकल केयर के प्रोफेशन से या yeah, uh, वहाँ पे बहुत बात होती है कल्चर केयर की जब डॉक्टर्स नर्सेज वो किस तरह अपने पेशेंट्स uh, का ख्याल रखते हैं तो उधर से और दूसरा uh, ये स्कूलों में भी बहुत टर्म यूज होता है क्योंकि स्कूलों में बुलिंग हरासमेंट ड्रिगिंग वगैरह बहुत होती है तो उसको काउंटर करने के लिए भी ये एक कैंपेन्के इर्द गिर्द बहुत शुरू हुई थी तो अगर आप इंटरनेट पे या सोशल मीडिया में देखें तो आपको ये दो रेफरेंस ज़्यादा नजर आएंगे जो मेरा uh, अपना तजुर्बा था उससे मैंने कहा कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को जरा ब्रॉडन किया जाए क्यों ना देखा जाए कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हर मर्रा की ज़िंदगी में और अपने काम में और अपने एक्टिविज्म में और अपने ऑर्गेनाइजिंग और में इसको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो मेरे लिए कल्चरल केयर जो है वो बेसिकली क्या माने हैं उसके उसके माने ये है कि आप परवाह को हर चीज़ के अगर आप सोचें कि एक दायरा है जिस पे जिसमें हम काम काम कर रहे हैं जैसे आ, उस दायरे में आता है कि हम किन पॉलिसीज में काम कर रहे हैं हम किन कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं हम किन टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं सो ये मल्टीपल रिंग्स हैं और आ, जिनको कहते हैं स्वियर्स ऑफ एक्शन या जिस जिसके विदिन हम काम करते हैं और आ, हमारे हर कम्युनिटी के हर सर्कल के और आपने जैसे कहा हर सेक्टर के आ, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स कह लें या कोई वैल्यूज होती हैं जिसके बलबोते पे वो डिसाइड करते हैं कि हमारा ये थीरी ऑफ चेंज है ये प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की और हमारा थीरी ऑफ चेंज है कि हम इस तरह चेंज ला सकते हैं तो मेरे लिए माय थीरी ऑफ चेंज इज कल्चर ऑफ केयर और उसका ये मतलब है कि आप हर चीज़ के सेंटर में केयर होना चाहिए सो so, अगर आपका जैसे पिदशाई एक वायलेंट निज़ाम है

वायलेंस है चाहे वो वायलेंस uh, का मतलब बिल्कुल फाउंडेशन, चाहे वायलेंस का रूट कॉज नहीं अगर मैनिफेस्टेशन अगर वायलेंस है uh, तो रूट कॉज बेश हो या कैपिटलिज्म हो या लेबर एक्सपोर्टेशन हो या रिलीजियस डिफरेंसेस हो कुछ भी हो मैनिफेस्टेशन हमेशा एक्सट्रीम पे चाहे नाव भी एक्सट्रीम पे हो आप वायलेंस को भी डिफरेंट तरह डिफाइन कर सकते हैं हमेशा फुल आउट वॉर नहीं होती वायलेंस साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल इंटरपर्सनल हर किस्म का वायलेंस होता है तो अगर आपका वायलेंस मैनिफेस्टेशन है तो अगर आप इसका इसको चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं और वो मेरे ख्याल से तभी हो सकता है अगर आप केयर को सेंट्रल बनाएं केयर सिर्फ एक वैल्यू नहीं बट केयर के इर्द गिर्द निज़ाम खड़ा करें केयर के इर्द गिर्द पॉलिसीज बनाएं के रिलेशनशिप्स आपस में जिस तरह कायम करते हैं जिस तरह आप एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन में होते हैं क्योंकि मैं सिर्फ बात करूंगी पिदरशाही की कैपिटलिज्म की तो उसमें आप देखते हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं पेट्रीआर 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 में पिदरशाही में देर अबाउट डोमिनेंस ऑफ वन जेंडर ओवर अनदर और ऑल अदर्स अगर आप कैपिटलिज्म देखें देन एट दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ योर लेबर And exploitation of labor um, of a select few, uh, of a many uh, by a select few. So it's like, your um, um, business, politicians, military, ye aapke labor ko har se exploit karte Aur capitalism, mein, it's all about the exchange of labor. All relationships are transactional so it creates a lot of violence in society at different levels or my theory of change is violence in root causes if her cheese may care as a center agarhaham care as center, if we start just as a value so eventually the violence will shift the violence will dissipate and these structural issues structural systems of oppression

Um, and all um, systemic uh, uh, oppression is interlinked and interconnected. So you can't just work on one thing. You can't say, yes, yes we are a women's march, so we will only talk about the rule of law and we will not touch imperialism, we capitalism. Your manifesto touches all of those things. You talk about labor issues, you talk about uh, enforced disappearances, you talk about the environment, you talk about सो कल्चर ऑफ केयर को अगर मैं डिफाइन करूँ तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं और uh, मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगी कि हर चीज को ले कर चलूँ लेकिन um, क्योंकि आपने कहा ना कि अगर केयर सेंटर में हो तो वी डोंट नीड लाइक मार्क्स की थियोरीज नहीं चाहिए हमें या फिर हमें कोई बेल वगैरह किसी की थियरीज वगैरह नहीं चाहिए कोई चेंज डाने के लिए केयर को एक हम वैल्यू को रैन एक थियोरी और आइडिया को अगर सेंटर में रख के उधर से मूव करें तो आई थिंक उसके लिए एक केयर की वैल्यू को भी अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें कि फॉर एग्जाम्पल केयर में क्या फर्क है कंपेयर टू रिस्पेक्ट कम्पेयर टू लाइक ये कैसी इसका मतलब लाइक थोड़ा सा अगर आप क्या है बिल्कुल और बेलहुक्स भी लव केयर इंटरचेंजली यूज करती है लेकिन वो भी <laughs> उनका भी ऑफ चेंज इज ऑल अबाउट लविंग रिलेशनशिप्स इन अगर आप मार्टिन लूथर किंग का भी देखें तो इट्स ऑल अबाउट द लव इंड कम्यूनिटी और हर चीज़ में आप केयर को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कई लोग लव uh, यूज करते हैं इंटरचेंज भी लेकिन केयर का ये मतलब है कि परवाह करना इतना कि आप uh, दूसरों के लिए वही चाहें जो आप अपने लिए चाहते हैं रिस्पेक्ट तो डिफरेंट हो सकता है ना आप किसी चीज़ किसी के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट कर सकते हैं आप किसी की पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट कर सकते हैं आप किसी कि यू नो इंटरपर्सनल रिस्पेक्ट भी होती है कि ओ ओके बिकॉज हमारा ये रिलेशनशिप है और हमने ये ये बाउंड्रीज अपने लिए रखी हैं तो इनमें रिस्पेक्ट इज वन एलिमेंट ऑफ इट केयर इज नॉट जस्ट वन थिंग इट इज इट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ एवरीथिंग सो आप कभी के भी केयरिंग रिलेशनशिप केयर नहीं इस्टेबलिश कर सकते अगर उस अगर हम आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो अगर उसमें रिस्पेक्ट uh, ना हो अगर उसमें बाउंड्रीज ना हो अगर उसमें एक दूसरे के लिए उस एक दूसरे के लिए इतनी स्पेस बनाना कि अगर कोई आपसे डिफरेंट भी सोच रहा है और आप आप उनको आप चाहते हो कि वो अपनी पर्सनालिटी में उनकी पर्सनल ग्रोथ हो उनके लिए इतनी जगह बनाओ कि अगर इवन दो आप लोग बिल्कुल एक जैसा रिलेशनशिप्स में कोई दो लोग एक जैसा नहीं सोचते और ज्यादातर हमारी <laughs> लड़ाई झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा बंदा हमारी तरह सोचे लेकिन केयरिंग रिलेशनशिप में रेसिप्रोसिटी होती है इसका मतलब कि आप अः मुझे ये स्पेस दोगे और मैं आपका इस तरह ख्याल रखूंगी और आप मेरे लिए इस तरह ख्याल रखोगे क्योंकि आप चाहते हो कि जो परवाह है वो सिर्फ ये नहीं है कि क्योंकि मैं परवाह करना चाहती हूँ मैं केयरिंग पर्सन हूँ तो मैं उसके लिए करूंगी नहीं इट्स बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द अदर पर्सन सो so, जिस तरह मुझे केयर चाहिए वो उस तरह आपको नहीं केयर चाहिए होगा मुझे शायद केयर चाहिए इस तरह की मैं कहूँ कि मेरी कोई बात सुने दूसरे बंदे को केयर चाहिए होगा और कहेंगे मुझे हग्स चाहिए सो so, हर एक की नीड्स डिफरेंट होती हैं और हर एक का केयर जिस तरह वो डिफाइन करते हैं वो डिफरेंट होता है लेकिन केयर के जो एलिमेंट्स हैं वो यही है कि आपकी रिलेशनशिप में रेसप्रोसिटी हो आपकी रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट हो आपकी रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट हो आपके रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज हो और आपकी रिलेशनशिप्स में स्पेस हो टू ग्रो एज पीपल एज कम्यूनिटीज